ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और ये रीडिंग का टॉपिक होगा करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। सो आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपके साथ बोल भी रहा है या नहीं, या आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हैं, जैसी भी सिचुएशन है एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। सो बेसिकली हम वो देखने की कोशिश करेंगे। सो उनकी फीलिंग्स, उनकी इस रिश्ते को लेके इंटेंशंस यानी इरादा क्या है, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्या दिख रहा है, किस तरह की उनकी एनर्जी है। सो इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना है, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही देखनी है, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करनी है। इसे अपने सन मून साइन नाम राशि जिसके भी अकॉर्डिंग आप देखना चाहें वो देखें, जितना ज़्यादा आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिए। अगर नहीं होती तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक बात हर एक चीज़ आपको ही मैच करे। दूसरा, जिसको भी पर्सनल रीडिंग करनी हो प्लीज़ नंबर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप करें, बेटर होगा ताकि रीडिंग उसके हिसाब से स्केड्यूल हो पाए। बाकी अब हम जल्दी से फ्रेंड्स इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एक लास्ट बात कि जितने भी लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर ज्वाइन किया है, प्लीज़ इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल दोस्तों आप सबके लिए बोलूंगी, अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑल पे ऑन नहीं रखते तो आपको कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगी नहीं आएगी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा मैम आपकी वीडियो आ रही है, वो कैसे पता लगेगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं रखेंगे। तो प्लीज़ करें उसको ऑन, तभी आपको पता लगेगा कि मैं किस टाइम वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। सो जल्दी से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कुंभ राशि फ्रेंड्स, आई होप आप सब सही हो गए। फ्रेंड्स आपके लिए अब हम लाए हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है और इस रिश्ते को लेकर इनकी इंटेंशंस क्या हैं। सो कुंभ राशि के पार्टनर के इंटेंशंस एंड सबसे पहले हम फीलिंग्स देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अक्वेरियस, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अभी रिसेंटली मतभेद चल रहे हैं उनको लेके ये काफ़ी विचार करते हैं, काफ़ी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, हमारी पहले तो ऐसी ट्यूनिंग नहीं थी, क्यों, क्या क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और अगर मैं देखूँ तो उदास भी हैं, सैड भी हैं, इन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट है, इन्हें भी महसूस होता है कि इन्होंने भी कुछ चीज़ें गलत की हैं। हालांकि इनका जो मेन इंटरेस्ट है वो उदासी से ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे, क्या हुआ, मतलब उसके पीछे के क्यों पे इनका पूरा का पूरा फोकस है। सो करंट फीलिंग्स में तो मुझे अगले एक हफ्ते में यही दिख रहा है कि ये यही सारी चीज़ों को लेकर सोचते रहेंगे। हाँ, हो सकता है आपसे थोड़ा उदास भी हो और आपसे बात भी कम करें, वो अभी हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे कि क्या ये कदम लेते हैं। इनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेके। लवर्स आया है, द वर्ल्ड आया है एंड थ्री ऑफ कप्स। देखिए इंटेंशंस अच्छी हैं, लवर्स के कार्ड से ही पता लग रहा है कि आपके लिए प्यार में तो कोई कमी नहीं है, आप इनके संसार हैं, दुनिया है, सो उसमें तो इनकी कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो ये अजीब से जो पड़ाव आ जाते हैं उनको ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में धीरे धीरे ये साइकिल सी चले जाएं और हम दोनों मतलब एक दूसरे को समझें। दूसरा जो मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी मेन इंटेंशंस रहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, खुश रहें और कोई तकलीफ ना दें एक दूसरे को। सो मुझे इनकी इंटेंशंस और करंट फीलिंग्स में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस ये दिख रहा है कि जो अभी आपके रिसेंट डिस्प्यूट्स हुए हैं उन्हें रिजॉल्व कैसे किया जाए और ये बार बार ना हो, इन पर है इनका ध्यान, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको क्या कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बेसिकली इनके एक्शंस में क्या दिख रहा है। सो वो हम देखेंगे दूसरे डेक से। सो अक्वेरियस यानी कुंभ राशि के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ
एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये आपको ये बताना चाहेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, अगर ये आपको अब तक नहीं बता पाए या नहीं आपसे क्लैरिफाई कर पाए तो आने वाले दिनों में ये आपसे हिम्मत करके डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाएंगे कि जो भी हमारे बीच ये झगड़ा हुआ या डिस्प्यूट हुआ या प्रॉब्लम हुई उसके पीछे किसी तरह का धोखा मैन्युपुलेशन नहीं था, वो जस्ट चीज़ें फ्लो में हो गई और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्हें आपको कोई धोखा देना था या आपके साथ गलत करना था। बेसिकली ये आपके साथ एक नई शुरुआत की फिर से कोशिश करेंगे क्योंकि इन्हें भी उतनी ही तकलीफ है, उतना ही दुख है। ये भी नहीं चाहते कि आपके और इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो लंबे समय तक खींचें और आगे बढ़े, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस आपके पार्टनर की तरफ से। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए हम लेंगे डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस हम अपने एंजल आंसर्स के डेक से लेंगे कि क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। सो देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है, यानी अभी जो कहानी चल रही है आपकी ज़रूरी नहीं है कि यही चलती रहेगी, चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। सो आपको भी पेशेंस रखना होगा एक्वेरियस कि ये जो भी सिचुएशन अगर ऊपर नीचे हो रही है ये बदल जाएगी हम दोनों के बीच में। दूसरा है इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है अगर आप इस बात को और लंबा खींचना चाहते हैं या इस कलेश को और लंबा बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। बट एज पर द कार्ड्स वो आपको एक आश्वासन कहें, अश्योरेंस कहें, ये दे रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग एंड आई होप कि बहुत क्लैरिटी मिली हो आपको इस रीडिंग से एक्वेरियस। लाइक करें प्लीज़, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग। सो अभी के लिए बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।